आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या जिम में, घर पर या फिर कहीं पर भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है या फिर नहीं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सी उम्र में जिम जाना ठीक रहता है। इसके अलावा अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट पूरी तरह से नहीं बढ़ी है और अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किए हैं। उनके मन में एक सवाल जरूर आता है कि कहीं वर्कआउट की वजह से उनकी हाइट ना रुक जाए। कुछ लोग कम नॉलेज होने की वजह से न्यू जिम जाने वालों को यह बोल देते हैं कि जिम करने से हाइट रुक जाती है या फिर बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है, जिसकी वजह से न्यू जिम जाने वाले लड़के परेशान हो जाते हैं कि कहीं सच में जिम में वर्कआउट या फिर बाइसेप्स के वर्कआउट से हाइट ना रुक जाए, जिसकी वजह से वो लोग एक्सरसाइज पर पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, जिस एक्सरसाइज से आपके स्पाइन और लेग बोन पर प्रेशर आता है उसी की वजह से हाइट रुकती है। लेकिन बाइसेप्स के किसी भी एक्सरसाइज में ना तो आपके स्पाइन और ना ही आपके लेग बोन पर प्रेशर आता है, इसलिए आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज बिना डरे लगा सकते हैं, आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर बाइसेप्स की एक्सरसाइज से हाइट नहीं रुकती है तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे करने से हमारी हाइट रुक जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जिस एक्सरसाइज से आपके स्पाइन और लेग बोन पर प्रेशर आता है उसी की वजह से हाइट रुकती है, जैसे कि डेडलिफ्ट। वैसे तो यह एक्सरसाइज आपके ओवरऑल बॉडी में तेजी से मास बढ़ाने और स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करती है, लेकिन अगर आपकी हाइट पूरी तरह से नहीं बढ़ी है तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी हाइट रुक सकती है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो खाली रॉड से या फिर हल्के वेट के डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डेडलिफ्ट के लिए नए हैं और अच्छे पोस्चर में वर्कआउट करना नहीं जानते हैं तो किसी कोच या ट्रेनर से पूछ के ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लोअर बैक इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं, इसलिए इसका विशेष ख्याल ज़रूर रखें। दूसरी एक्सरसाइज आती है स्क्वाट। यह एक्सरसाइज आपके लोअर बॉडी यानी कि लेग्स मसल को अच्छे तरीके से ट्रेन करती है। इसके साथ ही इसे करने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जो बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को भी ना करें, क्योंकि यह आपके स्पाइन और लेग्स बोन दोनों पर प्रेशर डालता है। बट आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को बिना वेट के सिर्फ बॉडी वेट से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है शोल्डर प्रेस या फिर मिलिट्री प्रेस। यह आपके शोल्डर डेवलपमेंट के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, बट यह एक्सरसाइज भी आपके स्पाइन के ऊपर लोड डालती है, इसलिए अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को भी इग्नोर करें या फिर बहुत ही हल्के वेट से लगा सकते हैं। यहाँ तक तो आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब बात करते हैं कि जिम जाने के लिए कौन सी उम्र बेस्ट होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो जिम जाने की कोई फिक्स एज नहीं होती, आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें उतना ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे 8 से 10 साल से ही जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं और 18 साल तक पहुंचते पहुंचते एक अच्छी बॉडी भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जेनेटिक्स हमारी जेनेटिक्स से बेहतर होती जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, जितनी जल्दी आप जिम जाना स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। और अगर आपकी हाइट पूरी तरह से नहीं बढ़ी है तो इन एक्सरसाइजेस को इग्नोर करें। इसके अलावा आप कोई भी एक्सरसाइजेस करें, आपकी हाइट रुकने के बजाय बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी।